अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन? टुडे इज़ वेरी सिंपल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक। इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी अबाउट ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, इनपुट मीन किसी भी चीज़ का कंप्यूटर में दाखिल करना, आउटपुट कोई भी चीज़ कंप्यूटर से लेना। बहुत ही सिंपल वर्डिंग, आसान सी वर्डिंग में बता रहा हूँ कि क्या होता है इनपुट। किसी चीज़ कंप्यूटर को कोई चीज़ देना, ठीक है, फ्रॉम कीबोर्ड। आउटपुट कोई भी चीज़ कंप्यूटर से लेना, ठीक है। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स जो कंप्यूटर को दी जाती हैं और कंप्यूटर से आउटपुट के तौर पे मॉनिटर पे स्क्रीन पे शो होती हैं, वो स्टेटमेंट्स इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स कराती हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट इनपुट, व्हाट इज इनपुट। इनपुट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, इनपुट और आउटपुट। इम्पोर्टेंट इसमें यह होता है कि कोई भी चीज़ कंप्यूटर में, प्रोग्राम में आप जब राइट करते हैं तो उस वक्त वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं उनको आपने इनिशियलाइज और डिक्लेयर करना होता है, उनको आपने इंटर कराना होता है। तो प्रोग्राम के राइट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्राम में हम क्या चीज़ एंटर करा रहे हैं और प्रोग्राम में हम क्या चीज़ आउटपुट के तौर पे शो करा रहे हैं। तो इसलिए हम स्टडी करेंगे इनपुट आउटपुट के बारे में। इनपुट क्या होती है? प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर। वेरी इजी टॉपिक, वेरी सिंपल टॉपिक। क्या होता है? किसी भी ऐसा तरीका जिसमें कोई भी चीज़ कंप्यूटर को दी जाती है, ठीक है। अ प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, ठीक है। इनपुट क्या आती है और ये इनपुट कैसे की जाती है? द इनपुट और क्या चीज़ इनपुट दी जाती है? इनपुट वेरिएबल्स दिए जाते हैं, इनपुट वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज, ठीक है, इंटीजर वैल्यूज, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज, द इनपुट वेरिएबल्स थ्रू कीबोर्ड। किसके जरिए? थ्रू कीबोर्ड। कीबोर्ड के जरिए इनपुट वेरिएबल्स गिराए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस इनपुट की कुछ टाइप्स हैं, कुछ फीचर्स हैं। सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ इनपुट आर इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ इनपुट आर कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं, कौन कौन से हैं? स्कैन एफ, गेट सी एच, ठीक है, गेट सी एच ई, गेट्स, ठीक है। ये क्या चीजें होती हैं? सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ इनपुट हैं। तो ये स्कैन एफ और गेट सी एच दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, गेट सी एच और स्कैन एफ, ठीक है। अब आप स्टूडेंट्स, इसमें ना दो वेज होते हैं इनपुट और आउटपुट को शो कराने के, दो वेज हैं। एक में तो आप स्कैन एफ और गेट सी एच लिख सकते हैं, तो सी लैंग्वेज में एक और प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें क्या लिखा जा सकता है? वो होता है सी इन, ठीक है, सी इन का भी यही मकसद होता है जो इनका मकसद होता है, ठीक है, जो इनपुट कराना किसी भी चीज़ को, किसी भी वेरिएबल्स को, किसी भी कॉन्स्टेंट्स वैल्यू को, क्या है, कीबोर्ड के जरिए कंप्यूटर में एंटर कराना।
तो स्कैन एफ का भी वही फंक्शन है, सी एन का भी वही फंक्शन है। सी एन मतलब कंसोल इनपुट, ठीक है, किसी भी चीज कंसोल जो होती, कंसोल मीन जो डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, डिस्प्ले थ्रू थ्रू ऑन कीबोर्ड। तो ये क्या चीज होता है, ये सी एन होता है कंप्यूटर में एंटर कराना। और इसमें क्या है, स्कैन एफ का भी यही फंक्शन है, गेट सी एच जो होता है लास्ट पे कैरेक्टर आप एंटर कोई भी कराते हो उसको वो शो कराता है गेट सी एच। अच्छा अब ये है इनपुट, अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स कैसे होता है। स्टूडेंट्स आपने ना घबराना नहीं है, जब स्कैन एफ आ जाए या सी एन आ जाए तो इस दोनों का एक ही फंक्शन है, दोनों का एक ही काम है। आपने ये नहीं देखना कि ये क्या है कि इसमें स्कैन एफ यूज करना है या सी एन यूज करना है, तो आप इन दोनों में से कोई भी आप चीज यूज कर सकते हैं। स्कैन एफ को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, स्कैन एफ क्या होता है, उससे पहले हम सिंटैक्स जो है वो उसका फिर हम पढ़ेंगे स्कैन एफ का। तो स्कैन एफ क्या होता है, पहले हम स्कैन एफ को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। स्कैन एफ फंक्शन इज इनपुट फंक्शन, ठीक है। स्कैन एफ द फंक्शन यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर, क्या पता है जो यूजर के जरिए, यूजर के जरिए कंप्यूटर में कोई चीज एंटर कराना वो स्कैन एफ यूज होता है। द प्रोसेस थ्रू विच एंटर द वैल्यू values in computer from user, user जो होता है वो उसके scan f के जरिए वो input कराता है किसी भी चीज को। इसका आप syntax कैसे लिख सकते हैं, scan, तरीकाकार क्या होता है इसका लिखने का, scan परसेंटेज डी एंड एन, ये बताता हूं परसेंटेज क्या है, डी क्या है, ठीक है, ये क्या है, एन कोई नंबर वैल्यू है, ये क्या है, ठीक है। स्कैन एफ में ये जो सिंटैक्स है इसमें परसेंटेज जो है इसको इन्वर्टेड कॉमास टू सेमीकोलन में लिखा जाता है, ये जो है परसेंटेज का सिंबल इसको कहते हैं फॉर्मेट सिंबल। ये क्या होता है, फॉर्मेट सिंबल होता है, मतलब राइट करने का फॉर्मेट, फॉर्मेट सिंबल। अच्छा ये डी क्या है, ठीक है, ये है स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर, दिस इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये सिंबल किस चीज का है, ये है एड्रेस, जहां पे लोकेशंस, जहां पे स्टोर होनी है वैल्यू, जो आपने कीबोर्ड के जरिए एंटर करानी है जहां पे ये स्टोर हो, ये वो एन इज, एन क्या चीज है, एन इज वेरिएबल नेम, ये कोई भी वेरिएबल आप लेते हैं, वेरिएबल नेम है एन। चलिए ये सिंटैक्स में क्या चीज यूज होती है, परसेंटेज डी एंड एन, परसेंटेज फॉर्मेट सिंबल होता है, स्पेसिफायर है, एड्रेस है, एंड एन वेरिएबल है। चलिए ये तो था, आपने पढ़ा स्कैन एफ का फंक्शन। इसी तरह गेट सी एच, गेट सी एच क्या होता है, गेट सी एच में आप कोई भी वैल्यू, कोई भी करेक्टर आप इनपुट कराते हैं तो वो कैरेक्टर जब लास्ट पे एंड प्रोग्राम आपका हो जाता है तो उस वक्त शो होता है गेट सी एच लास्ट, मीन आपने जो करेक्टर लिखा वो आपको गेट सी एच मीन आपको वो रिट्रीव हो गया, वो हासिल हो गया जो आपने इनपुट कराया था, ठीक है, गेट सी एच। तो ये है गेट सी एच और स्कैन एफ का फंक्शन। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं सी इन, सी एन क्या होता है। दरअसल सी एन का भी वही काम है जो स्कैन एफ का फंक्शन है, काम करता है, स्कैन एफ भी एंटर कराता है, सी एन का फंक्शन भी यही है। सी एन स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट,
कंसोल इनपुट, ठीक है, किसी भी चीज को इनपुट कराना कंप्यूटर में फ्रॉम कीबोर्ड थ्रू कीबोर्ड, कीबोर्ड के जरिए कोई भी चीज आप, कोई भी वेरिएबल आप प्रोग्राम में एंटर करते हैं तो वो सी इन का फंक्शन यूज होता है, ठीक है, सी एन। तो इसमें आप लोग ऐसे लिखते हैं सी एन, ये आप सिंबल यूज करते हैं प्रोग्राम में सी एन। आपको ये सी एन के बारे में बताना है, सी एन क्या है, द पावर एंड वर्सटाइल इनपुट फंक्शन, इट इज यूज टू एंटर वैल्यू थ्रू कीबोर्ड। क्या लिखा जा सकता है, इट इज पावर एंड वर्सटाइल फंक्शन, ये पावर एंड वर्सटाइल फंक्शन है विच इज यूज टू एंटर वैल्यू थ्रू कीबोर्ड, विच इज यूज टू एंटर वैल्यू थ्रू कीबोर्ड। कीबोर्ड के जरिए कोई भी चीज आप एंटर करते हैं तो ये इसलिए यूज होता है, कंसोल, कंसोल इनपुट। इसको आप सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, इसका इसका सिंटैक्स ये है, सी एन, ठीक है, उसके बाद आप कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं, सी एन कांस्टेंट या वेरिएबल, जो आप लिखते हैं कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो उसके बाद ये आप राइट करते हैं। ये था इनपुट फंक्शन मीन्स कैन एफ गेट सी एच सी एन, ठीक है, आप उसको थोड़ा सामने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं आउटपुट स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट। इनपुट में क्या पढ़ा, आप कंप्यूटर से कोई चीज आउटपुट के तौर पे शो करवाते हैं मॉनिटर स्क्रीन पे, द प्रोसेस इन विच गेटिंग, उसमें था गिविंग समथिंग, इसमें है गेटिंग समथिंग, समथिंग फ्रॉम कंप्यूटर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पे आप शो कराते हैं। अच्छा, कंप्यूटर स्क्रीन आपके पास एलसीडी भी हो सकती है, मॉनिटर भी हो सकता है, लैपटॉप है तो लैपटॉप की डिस्प्ले स्क्रीन, ठीक है, उस पे जो शो होती है चीज वो आउटपुट के टर्म में आती है, ठीक है। द आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, इसमें दो वैल्यूज हैं, एक प्रिंट एफ और एक पुट्स, इसकी दो फंक्शंस, इसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्रिंट एफ, प्रिंट एफ फंक्शन, और सेकेंडली है पुट, पुट एफ, पुट कराना है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं पुट्स, ठीक है, पुट्स फंक्शन। तो इनपुट स्टोर्ड एंड ये क्या चीज होती है, इनपुट आउटपुट स्टोर इन स्टूडियो डॉट एच। आपको पता है स्टूडियो डॉट एच क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स यूज होती हैं, जिसमें आप कोई भी वेरिएबल जो होते हैं वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। आउटपुट फंक्शंस, आउटपुट फंक्शन में अब आपने दो चीजें पढ़ी हैं, प्रिंट एफ और पुट्स। प्रिंट एफ का क्या काम है, प्रिंट एफ का ये फंक्शन होता है कि कोई भी चीज आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करानी है तो आपने उसको प्रिंट कराना है, तो लिखना है प्रिंट एफ फंक्शन। और इस प्रिंट एफ को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, प्रिंट एफ एक्चुअली क्या है, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ फंक्शन क्या है, इट इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन मॉनिटर, इट इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट
ऑन मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर पे आप कोई भी चीज आउटपुट कराते हैं, शो कराते हैं। इट डिस्प्लेस टेक्स्ट, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट चीजें, वेरिएबल्स जो होते हैं ये इसमें ये डिस्प्ले कराता है। इट डिस्प्लेस कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, ईटीसी। इसका सिंटैक्स आप कैसे लिख सकते हैं? सिंटैक्स लिखने का तरीका, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, सेमीकोलन में लिखना है कोई भी चीज आपने लिखनी है तो, फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं आपने, वो बताता हूँ, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट जो आपने चीज शो करानी है, ठीक है, इसको इन अदर फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट एफ। कोई भी अगर सपोज आपने एक स्टूडेंट्स के मार्क्स प्रिंट आउट कराने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे योर मार्क्स, ठीक है, योर मार्क्स परसेंटेज डी एंड एम, ठीक है, योर मार्क्स परसेंटेज डी एम। ये मैंने आपको बताया ये क्या होती है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, फॉर्मेट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इन दो कोटेशन डबल कोटेशन में आपने लिखा, ये मैसेज जनरेट हुआ योर मार्क्स। परसेंटेज क्या होता है, ये सिंबल क्या होता है, ये होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और ये डी क्या होता है, ये डी आपको पीछे बताया है, डी है स्पेसिफायर और ये फॉर्मेट सिंबल है, ये फॉर्मेट सिंबल है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। एम क्या होता है, एम इज वेरिएबल नेम, कोई भी वेरिएबल नेम होता है, ठीक है। तो ये प्रिंट एफ इस तरह अगर प्रोग्राम में आए तो आपने पहले मैसेज जनरेट कराना है, फिर उसके बाद परसेंटेज डी, फिर वो वैल्यू जो आपने स्टोर कराई वो उसने वो लिखनी है, ठीक है। तो ये तो था प्रिंट एफ फंक्शन, ठीक है। अब इसी तरह एक और टर्म यूज होती है मोस्टली सी लैंग्वेज में, तो वो इससे डिफरेंट है, मीन वो सी आउट, वो क्या लिख सकते हैं आप, सी आउट, सी आउट मीन कंसोल आउटपुट, कंसोल आउटपुट सेम फंक्शन है, काम यही है, बट सिंटैक्स लिखने का तरीका कार वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या होता है सी आउट और इसका ये सिंबल यूज होते हैं, ये इसका लिखने का तरीका कार है, और वेरिएबल हो, वेरिएबल हो या कॉन्स्टेंट्स वैल्यू हो, ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है, ये लिखने का तरीका कार है, सी आउट और ये सिंबल यूज होता है, ठीक है, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स। तो ये था आपका इनपुट और आउटपुट फंक्शन। अब हम एक प्रोग्राम करते हैं जो दोनों के लिहाज से, दो प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं आपको, ताकि समझ आए कि हमने जो टर्में यूज की हैं वो इनपुट और आउटपुट के लिए, उनका फंक्शन क्या है, उनका रोल क्या है, वो किस लिए यूज होते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं एक प्रोग्राम के साथ। प्रोग्राम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मैसेज एंड वैल्यूज ऑफ इंटीजर एंड कैरेक्टर। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने क्या करना है, इंटीजर वैल्यू को आपने राइट अ प्रोग्राम इन विच, राइट अ प्रोग्राम इन विच डिस्प्ले मैसेज एंड वैल्यूज ऑफ इंटीजर, डिस्प्ले मैसेज एंड वैल्यू ऑफ इंटीजर एंड कैरेक्टर,
ठीक है, वेरिएबल ये कोई प्रोग्राम आपने लिखना है, क्या लिखना है, कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है, और वैल्यू ऑफ इंटीजर एंड कैरेक्टर वेरिएबल इन दोनों को आपने इसमें शो आउट करना है, चेक करना है। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। हैश इंक्लूड, स्टार्ट में यही लिखते हैं, हैश इंक्लूड हेडर फाइल यूज होती हैं। स्टूडियो डॉट एच मेन क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टूडियो डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच वाइड मेन, मेन फंक्शन यूज होता है। क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन किसके यूज होता है, क्लियर स्क्रीन जो पहले ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको खत्म करने के लिए, मतलब न्यू प्रोग्राम लिखने के लिए क्लियर स्क्रीन का यूज होता है। अब हमने इंटीजर वैल्यू, क्योंकि इसने कहा कि इंटीजर वैल्यू जो है, इंटीजर वैल्यू को शो कराना है, तो उसके लिए डेटा टाइप कौन सी यूज होगी, इंट, इंट एन, और आपने उसको कोई वैल्यू दे दिया 10। तो ये प्रोसेस क्या होता है, ये होता है वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया, इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, तो करेक्टर आपने इसमें दूसरी वैल्यू क्या है, करेक्टर को भी शो कराना है, तो सी, उसके लिए डेटा टाइप्स चार यूज होती है। ठीक है, चार सी एच, उसके लिए सिंबल क्या यूज होता है, सी एच, और उसके लिए कैरेक्टर कोई भी आप लिख सकते हैं, वो स्टेरिक लिख दिया आपने, यहाँ पे ए लिख दिया। ठीक है, ये कैरेक्टर लिख दिया हमने ए, तो इन दोनों को हमने शो कराना है। ठीक है, तो प्रिंट एफ शो करने के लिए क्या, कौन सा यूज होता है, प्रिंट एफ यूज होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, प्रिंट एफ टेस्टिंग आउटपुट, क्योंकि आउटपुट को आपने चेक भी करना है, टेस्टिंग आउटपुट। टेस्टिंग आउटपुट, और इसको कोटेशन में लिखते हैं प्रिंट एफ, और आपने इसको अब लिखना है वो सिंटैक्स की फॉर्म में, प्रिंट एफ परसेंटेज जी एन, क्योंकि आपने एक तो इंटीजर जो है वैल्यू वो आपने प्रिंट करानी है, शो करानी है, परसेंटेज डी और एन, एन क्या है, नंबर है। ठीक है, जो आपने इंटीजर वैल्यू शो कराई, और प्रिंट एफ दूसरा वेरिएबल क्या है, प्रिंट एफ और करेक्टर सी एच, परसेंटेज डी सी एच। ठीक है, ये आपने दो वैल्यूज जो हैं वो आउटपुट पे शो करा ली, और लास्ट पे गेट सी एच का मीन ये है कि आपने जो दो वेरिएबल्स इनपुट कराए हैं, तो करेक्टर जो कराया है, ठीक है, वो आपने गेट कर दिया, ये ब्रैकेट स्टार्ट है और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है। ये तो प्रोग्राम था इस फॉर्म में, जब इनपुट और आउटपुट यूज करते हैं, स्कैन एफ यूज करते हैं, प्रिंट एफ यूज करते हैं। अच्छा, जब आप सी इन और सी आउट यूज करेंगे तो उस वक्त कैसे प्रोग्राम राइट करेंगे, सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं। इसमें क्या है, राइट अ सिंपल प्रोग्राम टू शो यूज ऑफ सी इन एंड सी आउट। सी इन और सी आउट को हमने बस यूज करना है, और उसको देखते हैं कि किस तरह ये शो होता है। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम, अनदर प्रोग्राम हम लिखते हैं। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इन विच शो यूज ऑफ सी इन एंड सी आउट। हमने क्या शो करना है, इन विच शो सी इन एंड सी आउट, सी आउट और सी इन को हमने शो करना है, सिंपल प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, उसके लिए स्टार्ट करते हैं, हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम डॉट एच भी लिख सकते हैं आप, हैश इंक्लूड, ये इंक्लूड शामिल करना, हैश नंबर,
स्टूडियो डॉट एच या आयो स्ट्रीम डॉट एच इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल यूज होती हैं, इसे प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव कहते हैं। हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच ठीक है। वाइड मेन क्लियर स्क्रीन ठीक है, वो आपने ये पढ़ा हुआ है, मेन फंक्शन होता है वाइड मेन एंड उसके बाद क्लियर स्क्रीन यूज होती है। क्लियर स्क्रीन का मैंने आपको पहले बताया कि क्या फंक्शन होता है, अभी कोई भी चीज पहले लिखी हुई है, प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उसको खत्म करके न्यू प्रोग्राम आपने लिखना है। अच्छा, अब आपने दो वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर कराने हैं, उसके लिए आप डेटा टाइप इंटीजर ए एंड बी वो शो कराते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब दोनों को वन बाय वन आपने शो भी कराना है कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो पहले हम सी आउट लेते हैं। सी आउट इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, पहले सी आउट लिखते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो कराते हैं। एंटर एंटर एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई आप पॉजिटिव इंटीजर शो कराते हैं, एंटर एनी पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर और उसको आप कोटेशन में लिख दें ठीक है। और इसके बाद ये सेमी ये कॉलन यूज होते हैं ठीक है, ये कॉलन यूज होते हैं ठीक है। अच्छा सी इन, इसके बाद ये सी आउट हो गया, उसके बाद आपने सी इन कराना है वो वेरिएबल जो आपने यूज किया है, उसके लिए ये ऐसा वेरिएबल यूज होता है ठीक है। अब उसमें वैल्यू वैल्यू क्या है, आपने पॉजिटिव वैल्यू एंटर कराई है, तो पॉजिटिव के लिए कोई फार्मूला आप यूज करें वो क्या होता है, बी इज इक्वल टू टू एस्टेरिक ए, मीन आपने जो दूसरा वेरिएबल लिया है उसको आपने शो कराना है, तो उसके लिए वो 10 है तो आप उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेगा 10 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 20 ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों शो हो जाएंगे। तो आपने ये फार्मूला लगाया है इसमें b इज इक्वल टू टू स्टेरिक ए, मीन ए की वैल्यू आपने सपोज 10 रखी है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा और ये b की वैल्यू में जाकर स्टोर हो जाएगा ठीक है। तो दोनों वैल्यूज जो है वो स्टोर होती हैं। अब b की जो वैल्यू स्टोर हुई है उसको आपने शो आउट कराना है, सी आउट द वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b और वैल्यू ऑफ b जो आपने शो कराई है उसको आपने फिर स्पेसिफाई भी करना है ठीक है, उसके लिए ये यूज होता है और एंड लाइन यूज होती है। और ये लिख लिया आपके एंड पे गेट सी एच, आपको जो करेक्टर हासिल हुआ गेट सी एच और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये था दोनों वेज, दोनों तरीकों से आप प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। दिस इज इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।